और बात करते हैं खरगोन की, जहां संघ के प्रधान डॉक्टर सोनू सिंह और प्रदेश प्रमुख लोकेंद्र गंगराड़े के मार्गदर्शन से प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ शाहिद खान के नेतृत्व में रविवार को एक मीटिंग रखी गई, जिसमें खरगोन जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही संघ प्रदेश प्रमुख लोकेंद्र गंगराड़े ने ऑनलाइन सभी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन दिया और सभी को संघ की कार्यशैली के बारे में जानकारी दी। संघ की विचारधारा के बारे में एवं संघ के उद्देश्य के बारे में सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ शाहिद खान ने जल्द ही खरगोन में जिला कार्यालय खोलने पर भी चर्चा की। मौजूद पदाधिकारियों को यूनिफॉर्म के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि पूरे जिले भर में महिला जागरूकता अभियान जल्द ही चलाया जाएगा। इसके साथ ही नव नियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ शाहिद खान के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए और कहा कि सभी सहायक एक मंच पर रहकर मानव सेवा करते रहें और गरीब और असहाय लोगों तक सरकार की सुविधाओं का लाभ किस तरह से पहुंचाया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई है। अल्पसंख्यक साजिद पठान, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष समीर सैक, खरगोन शहर अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सुमित भालसे के साथ ही तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। विराट 24 न्यूज के लिए खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।